अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो कैसे हैं सब लोग? तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और अभी ये टाइम हो चुका है 2:30 और फिलहाल ये कि मुर्गियाँ निकालनी बाहर गेज से, तो इनको दाने वगैरह मैंने डाल दिए, पानी रख दिए। और ये हुआ कि आज हमारा एक चिक्स ना कैट उठा के ले गई गेज के नीचे से, वो कहीं मैंने बंद किए हुए थे बाहर निकाल के थोड़ी देर पहले, तो वो एक बिल्ली उठा गई, अभी उठा के ले के चली गई। अभी रह गए हमारे पास दो ही चिक्स। ये करते हैं चिक्स का गेज खोल के इनको निकालता हूँ मैं बाहर, क्योंकि उस गेज में बंद किए थे तो ये नीचे से सुराख है, तो यहाँ से बिल्ली ने निकाल ली और ये गेज प्रॉपर बंद है, तो इसलिए आज के बाद इनको इसके अंदर रखेंगे। वैसे रहे अभी दो ही गए हैं, ये आ गए दोनों बाहर, और ये एक काफ़ी बड़ा हो गया और एक अभी छोटा सा ही है। लेकिन फिलहाल ये कि दाने तो मैंने डाले हैं मुर्गियों के लिए बाहर, तो इनको बाजरा वैसे मैं केज के अंदर ही रख के गया था, लेकिन अभी इनको थोड़ी देर छोड़ता हूँ बाहर, फिर इनको भी कर देंगे बंद। गल नहीं बाहर, तो केज ओपन हो गए तो अभी ये आ गई बाहर, तो इनको दाने वगैरह मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, तो ये फीड वगैरह करें फिर इनको बंद करते हैं। और आज हमारी किसी मुर्गी ने ना अंडा वगैरह अभी तक नहीं दिए, तो चिक्स को जो है ना इनको बाजरा केज के अंदर ही डालेंगे। ऐसे इन्होंने फीड की हुई है, इसने भी की, इसने भी अच्छे से फीड की हुई है। और जो रह गए वो एक दूसरा था एक, तो वो उठा के ले गई बिल्ली, और ये एक रह गया वो काफ़ी बड़ा था इन दोनों में से, जिसको कैट उठा के ले गई है। तो फिलहाल यार इनको पानी भी रख दिया और दाने भी गंदम के डाल दिए खाने के लिए, तो बाजरा में ले गए हम, सिर्फ वो चूज़ों को डालेंगे। इनको चूज़ों के लिए बाजरा मैंने अंदर ही डाल दिया, और अभी इनको पानी किसी चीज़ में रख देता हूँ अंदर ही गेज के अंदर, क्योंकि गेज अभी भी गीले हैं, तो फिलहाल इसको छोड़ते हैं ताकि ये खा ले, तो वो नहीं तो इनको भी बंद करेंगे, क्योंकि इनको अब ओपन नहीं छोड़ेंगे गेज के बाहर, क्योंकि इनको बिल्ली उठा के एक अगर लेगी दोबारा फिर कैट इनको उठाने एक अटैक करेगी, और वो गेज के अंदर से निकाल के लेगी। मैं नीचे था, आवाज़ आई है बट ये कैट उठा के लेगी। और ये एक मुर्गियाँ हमारी, वैसे इनको सुबह मैंने घर वालों ने टुकड़े डाले हुए थे, तो अभी मैंने इनको निकाल के फीड करवा रहा हूँ ताकि इनको करूँगा बंद, फिर अभी ये है कि इनको खाली निकालेंगे बाहर। ये दाने खा नहीं सकते हैं तो इसलिए इनके लिए बाजरा रखती है वहाँ पे, तो इनको अभी जब तक मुर्गियाँ बाहर ये दाने फिनिश करती हैं तब तक इनको छोड़ेंगे, फिर इनको भी कर देंगे बंद। क्योंकि बस यार अभी इन मुर्गियों को करना है वेट, ये भी मेरे ख्याल से दाने और नहीं खाएँगी, दो मुर्गियाँ खा रही हैं बाकी तो खा चुकी हैं, और चिक्स जो हैं थोड़ी देर में इधर ही रहूँगे, और फिर इनको बंद करके गेज के अंदर फिर जाके वो सील मुर्गे भी निकालने, इनको फीड शीट करवाएंगे, उनको थोड़ी देर वहाँ से इनके अंदर छोड़ना होगा। इसका गेज बनाया हुआ था, इसे मैंने तोड़ दिया है, तो जिसने रैबिट्स वगैरह वहाँ पे शिफ्ट किए थे लेकिन रैबिट्स गुम हो गए हैं, तो अभी वहाँ पे गेज बना के न्यू लेके आएंगे। और चिक्स को अभी इसके अंदर पानी डाल के इनको मैं करता हूँ बंद, तब तक मुर्गियाँ कर लेंगी फिनिश, और फिर इनके गेजेस वगैरह हम प्रॉपर बंद करके मैं चला जाऊँगा, मैंने जाना है किसी काम के लिए। इसको अभी मैंने पानी डाल दिया, तो अभी फिलहाल इनको करते हैं बंद। दूसरा गुजर गया इसको भी, ठीक है आगे गेज के अंदर मैं करता हूँ बंद। ये रह गए इसको भी उठाना है, इसको उठा के इसको भी करते हैं गेज के अंदर बंद, ताकि ये बाहर ना निकले। ये जब इनका हो गया प्रॉपर बंद, यहाँ से ये बाहर नहीं आ सके, तो बाकी ये आगे मैंने पत्थर से रखता होता हूँ ताकि ये बिल्ली वगैरह इसमें अंदर ना जा सके। अभी रहेगी मुर्गियाँ, इनको करते हैं बंद, ये तो दाने अभी और नहीं खा रही हैं। इस तरह है कि मैं सेकंड घर में आ गया हूँ और अपने सील मुर्गों को निकाला है बाहर, और इनको दाना वगैरह डाल दिए, पानी तो उन्होंने गिरा ही दिया अभी, तो बहरहाल ये कि अभी इनको छोड़ेंगे थोड़ी देर से इनके अंदर, ताकि ये फीड वगैरह फिनिश करके इनके अंदर रहेंगे आधा घंटा घंटा, फिर इनको कर देंगे बंद। ये है कि हमारी आज भी सील मुर्गी, वैसे पहले एक दे रही थी और अभी तक इसने दोबारा से अंडे देने स्टार्ट नहीं किए, क्योंकि इसके साथ मुर्गा एक लेके आना पड़ेगा बड़ा सा, तब ये एक देगी, क्योंकि ये वाले सील जो हैं ये तो पट्ठे हैं, ये अभी प्रॉपर सा मुर्गे है नहीं, और ये वाली जो मुर्गी है इसके साथ मुर्गा लेके आना पड़ेगा तब ये अंडे देना स्टार्ट करेगी। ठीक, मुर्गे तो सेन में छोड़े हैं, लेकिन ये हमने यहाँ पर लगाई हुई सब्ज़ी और ये निकाल रहे हैं यहाँ से, तो अभी फिलहाल इनको यहाँ से उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी सी ये सब्ज़ी लगी हुई है, और ये मुर्गे निकाल के ना ये छोटे छोटे जो ये पौधे से लगे हुए हैं तो ये मुर्गे खा जाते हैं, सारी ये निकाल रहे हैं, तो इनको ना स्टोर रूम के अंदर बंद करता हूँ मैं, तो फिर ये है कि इनको पास होंगे तब निकालूँगा। ये अभी यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये मुर्गे ने निकाल दिया है,
रूम में आ गए हैं और इनका मैं करता हूँ बाहर से रूम बंद ताकि ये बाहर ना निकल सकें। तो बाकी आज के रिलेटेड ये छोटा सा व्लॉग था, आप सबको आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, कि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं न्यू व्लॉग।